आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े, आम गोवा के लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हों, चाहे वो इधर रहते हों, नॉर्थ गोवा के हों, चाहे साउथ गोवा के हों, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हों, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीजों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा, उस शख्स ने अभी तक अपनी जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा, ही विल बी एन ऑनेस्ट मैन। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की। मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे।